तो जानिए अपना रोज का राशिफल। हम जल्द लेकर के आ रहे हैं एक नया चैनल वायरल एस्ट्रोलॉजी। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जहां हम अक्सर ही स्टार्स के रिश्तों के बारे में बात करते रहते हैं, अगर देखा जाए तो ये स्टार्स अक्सर ही फिल्मों में एक दूसरे के साथ काम करते करते एक दूसरे के प्यार में इस तरह पड़ जाते हैं कि कुछ ही समय बाद ये शादी भी कर लेते हैं। जहां अक्सर ही सुनने में ये आता है कि इन स्टार्स को पहली ही नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन आज हम एक ऐसी लव स्टोरी आप सभी के सामने बताने वाले हैं जिनका पहली नजर वाला प्यार तो बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल यहां हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन और उनकी पत्नी काजोल के बारे में। भाई सभी जानते हैं कि काजोल का अंदाज हमेशा से ही बड़बोला रहा है, वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन इनके बिल्कुल अपोजिट है, यानी अजय देवगन को हमेशा से ही चुप रहना काफी ज्यादा पसंद है। ये बात उस समय की थी जब इन दोनों की मुलाकात हुई थी फिल्म हलचल के दौरान। इसी फिल्म में इन दोनों ने एक दूसरे के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर की थी और इसी समय पर अजय देवगन एक्ट्रेस करिश्मा कपूर को भी डेट कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ बता दे कि करिश्मा से पहले वो रवीना टंडन संग ब्रेकअप कर चुके थे। हालांकि जहां एक तरफ करिश्मा पर उनका दिल आया तो वहीं दूसरी तरफ उनको काजोल के साथ काम करने का मौका मिला। दोनों को भी नहीं पता था कि उनके बीच ऐसा रिश्ता बनेगा। खबरों की माने तो पहली बार काजोल ने अजय को तब देखा जब वो फिल्म के सेट पर अकेले किनारे पर बैठे थे। गौरतलब है कि अजय अकेले रहना काफी पसंद करते हैं। यही उनकी पहली मुलाकात थी। जब वो ज्यादा बातें नहीं करते थे तो दूसरी तरफ काजोल हमेशा ही अपने ज्यादा बोलने वाले अंदाज की वजह से जानी जाती रही। अजय को काजोल का ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में अजय देवगन ने कहा था कि हलचल की शूटिंग के वक्त पहली बार काजोल से मुलाकात हुई और ईमानदारी से कहूं तो वो बहुत शोर करने वाली घमंडी और बातूनी लड़की थी। हम दोनों का स्वभाव बिल्कुल ही अलग था, शायद हमें यही चीजें एक दूसरे के करीब लाई। हालांकि साथ रहते रहते कब दोनों एक दूसरे के करीब आए उन्हें खुद भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। अजय के मुताबिक दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, फिर प्यार हुआ और फिर शादी। उनका कहना है कि शादी से पहले दोनों के बीच कभी भी शादी को लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। वेल, सभी चीजों को दूर रखते हुए अजय देवगन और काजोल ने साल 1999 के फरवरी में एक दूसरे से शादी रचा ली और अगर देखा जाए तो आज इन दोनों की फैमिली भी पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुकी है। यानी जहाँ दोनों की एक बेटी है तो वहीं एक छोटा सा बेटा भी है और अक्सर ही अजय देवगन को इनके पूरे परिवार के साथ देखा जाता है।